ने यूज के लिए खरीदा, सो दैट्स व्हाई ही हैज डिडक्टेड 4500 आउट ऑफ इट। कोई लॉजिक उसने नहीं लिखा, जहां से मैंने केस स्टडी को रेफर किया उसने सिंपली इसको माइनस करके हमारी परचेसेस का आंसर निकाला। इतना ठीक है कैश परचेसेस है, इतना ठीक है क्रेडिट परचेसेस है, ग्रैंड टोटल ये आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर टीडी तो मिलना है ना, चाहे अपने लिए खरीदो चाहे आगे सेल के लिए खरीदो, टीडी तो मिलना है। तो अल्टीमेटली 4500 बीच में से माइनस कर दो, दिस विल बी योर ग्रैंड टोटल ऑफ परचेसेस 99,250। कोई भी लॉजिक नहीं समझ आया, आई कैन रिपीट इट, एनी डाउट टू एनीवन? बोलो, टू बेंचेस वाला तो क्लियर कट है ना, मैट्स का मैंने लॉजिक बता दिया क्योंकि ये बेचे ही नहीं, बाकी सारा सामान बेच रहा है तो इतनी इसकी मैट भी बेचने चाहिए थे, नहीं बेचे तो इट मींस काहे के लिए, अपने यूज के लिए ना, तो जो चीज अपने यूज के लिए होती है वो परचेसेस में थोड़ी ना आनी है। डन, सो मैट्स आई एक्सक्लूडेड, बेंचेस डायरेक्टली आई हैव टू एक्सक्लूड, ठीक। और बेंच अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल एसेट बताओ या नॉन करंट एसेट बताओ, तो बेंचेस उसमें लेने हैं, और बेंचेस कितने के लेने हैं, 4000 माइनस सीडी 4,3600 के, क्योंकि दो बेंचेस खरीदे हैं, हर बेंच 2000 का है और 10% टीडी भी है, मेरे को तो 3600 के पड़े, 3600 के। अब अगला देखते हैं, कैलकुलेशन बेस था भाई ये। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बनाया उसने। कैपिटल तो सबने ठीक लिखी, 12 लाख, यस। करंट लाइबिलिटीज, व्हाट डू यू मीन बाय करंट लाइबिलिटीज? द लाइबिलिटीज विच आर टू बी पेड इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट लाइबिलिटी में एक तो 25,000 की जो मैंने परचेस करी क्रेडिट परचेसेस, बाकी बढ़ते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटी में एक तो 25,000 का जो मैंने उधार पे खरीदा, बाकी देखो जी और क्या क्या उधार पे खरीदा। एक ना सेल वाली आइटम पढ़ना, ही रिसीव्ड, सेकंड ही रिसीव्ड 47,500 फॉर टू नंबर्स फिटनेस वर्ल्ड ट्रेडमिल टू बी सप्लाइड इन द मंथ ऑफ जून। तो ये भी तो क्रेडिट है, लाइबिलिटी है ना आपके, दो महीने में आपने वो सामान अपने कस्टमर को देना है, तो जो एडवांस आप रिसीव करते हो वो आपकी लाइबिलिटी है, बिकॉज विद इन अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यू नीड टू सप्लाई द गुड्स, एम आई राइट? सो 47,500 का जो है वो भी आपकी करंट लाइबिलिटी है, बिकॉज यू प्रोमिस टू सप्लाई द गुड्स इन द मंथ ऑफ जून। सो दिस इज ऑल्सो, जब तक आप सप्लाई नहीं करते हो आपकी वो करंट लाइबिलिटी रहेगा। और कोई एडवांस मिला, याद है थोड़ी बहुत केस स्टडी आप लोगों को? आंसर चेक करते हैं फिर, बस यही है। कोई सैलरी वगैरह तो आउटस्टैंडिंग, एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, फोन बिल एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे कहीं पे। चलो आंसर चेक करते हैं, टोटल करो इसका कितना आता है, हाउ मच आंसर वी आर गेटिंग, 00512 72,500। एक 4,000 का कुछ और होगा, चेक करो 4,000 का कुछ है और, वॉज देयर एनीथिंग ऑफ 4,000? हाँ जी, 20 on 20, 4,000 का क्या है और, हाँ फोन नहीं है, फोन ले ले फिर, फोर थाउजेंड का चेक करते हैं। आदित्य मेरे को बुक पास करो ये वाली, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज एंड पेड द अमाउंट बाय चेक, नई लाइन है, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। तो ये ड्रॉइंग हुई, उसने तो हमें पेमेंट ही कर दी, सामान लेके, जब सामान लेके जाता है हम एंट्री करते हैं ड्रॉइंग टू परचेजेस, साथ में कहीं नहीं लिखा होता पेमेंट कर, ये तो उसने पेमेंट कर दी, यू हैव टू थिंक अबाउट इट, पेड द अमाउंट बाय चेक। और अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, देखते हैं किसके साथ आप इसे मैच करते हो। प्रोप्राइटर ने पहली बार सामान लिया अपने पर्सनल पर्पस के लिए और पेमेंट भी कर दी। अगला, ये आप सबको आता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, वेट फॉर द बी कॉलम, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फर्म, ये डायरेक्टली ड्रॉइंग है, फर्म ने अपनी लाइफ का थोड़ी ना पे किया होगा, प्रोप्राइटर की लाइफ का पे किया होगा, और फर्म वर्ड अगर लिख रहा है तो पार्टनर्स की लाइफ का किया होगा, बिकॉज फर्म इज फॉर पार्टनरशिप फर्म, राइट? आगे चलते हैं, अगला भी नया पॉइंट है,
रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स. रिड्यूस्ड अमाउंट इज डैश, क्योंकि आपने जो सामान भेजा या बेचा अपने कस्टमर्स को बाद में लगा कि सामान घटिया किस्म का है, हमने उन्हें बोला कि आप सामान रख लो, मैं प्राइस कम कर देता हूं. जितना प्राइस आपने कम किया है उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, क्या बोलेंगे? रिड्यूस्ड अमाउंट इज नोन एज. अगर 10,000 का सामान था, हम उसे कहते हैं 8,000 दे दे, 2,000 छोड़ा. वो 2,000 जो छोड़ा उसको क्या बोलेंगे? दैट वी विल लर्न हियर. देन फोर्थ, रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ₹50,000 फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स. एक ऑर्डर मिला कि हमने 50,000 का सामान बना के देना है, कुछ भी एडवांस अमाउंट नहीं मिली, माइंड इट, सिर्फ ऑर्डर मिला. मेरे कस्टमर ने फोन पे मेरे को ऑर्डर दिया 50,000 का सामान बना के मेरे को भेज देना. वहां पे स्पेस नहीं है, मैं बी कॉलम इधर बनाऊंगी. बी कॉलम में ए में उसने लिखा रिबेट, बी में उसने लिखा नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सी में लिखा सेल्स और डी में लिखा ड्रॉइंग्स. वेरी इजी नाउ, क्योंकि हर पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन किया. नीचे ऑप्शंस पता कैसे आएंगे? ए वन को बी से करो, टू को सी से करो, एक राइट भी डालूंगी, है ना, सी को सॉरी थर्ड को ए से कर दो, फोर्थ को डी से कर, ठीक है, लाइक दैट वे फोर ऑप्शंस विल बी देयर. तो आपको सही वाली टिक कर दी. पहली बार एक पॉइंट ऐसा आया जिसमें प्रोप्राइटर ने सामान लिया लेकिन पेमेंट भी कर दी, तो ट्रीटेड एज अ सेल ना, कि खुद को सामान बेच दिया, सेल. इट मींस के फर्स्ट का सी के साथ डन. जिस लाइन में फर्स्ट से सी के साथ होगा आप उस लाइन को देखना शुरू करोगे कि बाकी भी ठीक है. लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय फार्म ड्रॉइंग्स, सेकंड को डी के साथ डन. एनी डाउट? मैंने साथ साथ एक्सप्लेन किए हैं हर पॉइंट. आगे रिडक्शन इन सेलिंग रिबेट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट्स नॉट डिस्काउंट, इट्स अ रिबेट, ठीक है, हमने कुछ पैसा उसे छोड़ दिया, कुछ कंसेशन दे दी, सो वी कॉल इट रिबेट. देन अगला तो क्लियर ही है, रिसीव्ड एन ऑर्डर इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनलेस एंड अंटिल वी आर नॉट रिसीविंग एनी एडवांस. एडवांस ऑर्डर का मिलना अपने आप में बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये तो एक थ्रेटिकल बात हुई भाई. जब मैं सामान बनाऊंगी और बेच दूंगी तब वो मेरा या तो डेटर बनेगा, अगर वो इंस्टेंटली पेमेंट नहीं करता, अगर इंस्टेंटली पेमेंट कर देगा तो मैं उसे कैश सेल मानूंगी. सो ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? दीपांशु यू आर लॉस्ट समवेयर, और आप सोच रहे हैं कि केस स्टडी और ज्यादा डिफिकल्ट कितनी हो सकती है. चलो जी एक और देखते हैं, मैचिंग ही देखते हैं. सो मैचिंग विल नॉट बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू वन चैप्टर ओनली, मैचिंग कैन बी फ्रॉम द होल सिलेबस, राइट. मैचिंग में डिफरेंट चैप्टर्स के डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं. परचेज ऑफ गुड्स, लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस यू नो कैटलॉग प्राइस एमआरपी, ठीक है, लिस्ट प्राइस है 60,000 फ्रॉम क्रिश बेरी, कृषि लिखा हुआ है भाई नाम, फ्रॉम क्रिश बेरी मैंने खुद लगा दिया, एट टीडी 10% एंड सीडी 2%. कैलकुलेशन बेस है, कैलकुलेशन करोगे फिर राइट ऑप्शन देखोगे बी कॉलम की, ठीक है. आगे चलते हैं, ये सामान खरीदा था परचेज ऑफ गुड्स, अब क्या है सोल्ड गुड्स, लिस्ट प्राइस है एलपी 1,20,000 फ्रॉम निशु, जब बंदे का नाम है तो क्रेडिट है, 20% टीडी 5% सीडी एंड 40% रिसीव्ड इन कैश. इट मीन्स की सीडी 40% पे लगेगा, 40% रिसीव्ड इन कैश. आप लिखना शुरू करो और कैलकुलेशन करनी शुरू करो फर्स्ट और सेकंड, फिर मैं ऑप्शन लिखती हूँ. सोल्ड गुड्स टू मान्या, मान्या इज ऑल्सो वन ऑफ आर स्टूडेंट, हमारे क्लास के बच्चों के नाम ही लिखे है ना. सोल्ड गुड्स टू मान्या लिस्ट प्राइस 1,00,000, सॉल्व करना शुरू करो सभी लोग, 20% टीडी 2.5% सीडी, देन गुड्स सोल्ड टू मोक्षी लिस्ट प्राइस 120 टीडी 20%
सीडी 5% एंड 30% रिसीव्ड इन कैश। मैं तुक्के चलाने के लिए बी कॉलम नहीं बता रही, आप चारों की कैलकुलेशन करो फिर मैं ऑप्शन बताऊंगी। चारों की कैलकुलेशन करो, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स दे विल आल्सो सॉल्व इट। करो जी, पहला टेक अ मिनट ओनली टू सॉल्व द फर्स्ट पॉइंट। साठ हजार टीडी 10%, 6000 माइनस कर दिया 54 का 2%, 1080, देखो 1080। अपनी ऑप्शन निकाल के रख लेते हैं फिर उसके साथ मैच करवाएंगे। 0 2 9 यहाँ पे 3 5 2 5 2 9 2 0 डन। चलो दिवांशु अगला करो, क्योंकि 40% कैश में रिसीव है। पहले टीडी माइनस करके अमाउंट निकालो, फिर उसका 40% निकालो, उसके ऊपर सीडी देना है। हाँ जी, 20% टीडी है, सीडी इज 5%, ये 20%। मान ले 20,000 माइनस 24,000, 96,000। 96,000 में से उसने सारा कैश में नहीं दिया, 40% कैश में दिया। 96 का 40% 4 24 2 36 और 2 38 38,400 का कितने परसेंट? 5% निकालो, 5% 0 2 40 और 2 42 4 15 और 4 19 1920, ठीक है। मीन्स इसमें से माइनस कर दे 1920, ये तो अपने लिए निकाला ना, माइनस तो इसी में से करेंगे ना। यू आर गेटिंग मी? ऐसे ही करते हैं ना, सेल की अमाउंट तो इसमें से माइनस करके निकालेंगे, बिकॉज सेल कंप्राइजेस कैश सेल एज वेल एज क्रेडिट सेल। रफ वर्क में अपने कैश में जितनी अमाउंट पे करी है वो निकाल लेनी, ठीक है। चलो जी, 0 8 9 का 9 0 95 94, दो ऑप्शन हमने निकाल ली। चलो थर्ड करते हैं, कम टू द थर्ड ऑप्शन। अभी मैं ए बी सी डी लिखूंगी, थर्ड ऑप्शन करवाओ। मान ले 20,000 कितने परसेंट है टीडी? नहीं, I have to solve third, that is 1 lakh, है ना। मान ले का कितने 20%, 20,000, 80 बचा। हाँ, दो होता तो 1600 होता, 16 और 400, हाँ 2000, बिल्कुल ठीक है। 2000 is CD, तो 78,000। वैसे तो अगर तीन हमने कैलकुलेट कर लिया तो जो बचेगी वो फोर्थ को होगी, लेकिन हम फिर भी फोर्थ कैलकुलेट करते हैं। चलिए जी, 1,20,000, 1,20,000 का कितना पहले 20%, 24,000, 96 आएगा, फिर से वही आ गया, लेकिन अब की बार 30% कैश में पेमेंट की रही है, तो 96 का 30 18 1 27 और 1 28 28,800 का कितना 5% कैश डिस्काउंट, 40 4, फिर से 40 4 10, हाँ 1440। चलिए जी ऑप्शंस देखते हैं, 5 2 9 2 0, मैं बोलती हूँ पहले ऑप्शन ए बी सी डी मैं लिखती हूँ। स्टूडेंट सुना, उसने मेरी इमेजिनेशन से परे पॉइंट बनाया, ए डिस्काउंट 1920 किसमें है, 1920 डिस्काउंट सेकंड में, ठीक है। और कौन सा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट। इट मींस कि वो कैश डिस्काउंट मेरे को सारे देगा। टीडी तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाता है, उसने बी वाले कॉलम में कैश डिस्काउंट की बात करी है, नोट ऑफ द टोटल डिस्काउंट, नोट ऑफ टीडी रादर ऑफ कैश डिस्काउंट। सो सेकंड के साथ हो जाएगा, एक डिस्काउंट है 2000 है किसी में, ये सभी दीपांशु ने जो बोला था 2.5% जो था थर्ड वाला, ठीक है 2000, देन 1440, देन 1080 वाज माय फर्स्ट, 1440 वाज माय फोर्थ, ठीक है, दिस वाज माय थर्ड, और ये आप मैच कर लो किसके साथ, सारे कैश डिस्काउंट, ठीक है। और बात भी डिस्काउंट की हुई है हर पैराग्राफ में, राइट।
सो लाइक दैट वे इसमें से कोई एक आएगा, चारों थोड़ा ना बनेंगे, ठीक है? वो तो एक आपको बताया है कि हाउ ही कैन आस्क द क्वेश्चन.